छोटा माइक नहीं, छोटा माइक नहीं। बस आने में बस आ गया, बस आएगा क्या? मैं देखा जो बंगाल उधर से कुछ आ उनको देख कर उल्टा चढ़ रहे थे सबके साथ। महाराज कोई रास्ता बना देना, दो मिनट में सब आ गए। जो बाहर से जो रास्ता बना ये तो कोई बस का लोग, ये कोई बस का नहीं, सब गाड़ी का गाड़ी। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ब्रशी चरण पहाड़ी की लाइव चल रही है, लाइव चल रही है। चल चल शुरू हो गई। हरे हरे कृष्णा हरि बोल। देख लो हम लोग अभी गुरु वैष्णव के अनुगत्य में जो जगह पर आए हैं, ये स्थान का नाम है क्या है? चरण पहाड़ी। कहते वृंदावन में एक चरण पहाड़ी नहीं, वृंदावन में बहुत सारी चरण पहाड़ी। इसलिए कृष्ण जहाँ जहाँ पर गए, जहाँ जहाँ पर उन्होंने कृष्ण गैया चराए और जहाँ जहाँ पर उन्होंने बंसुरी बजाए और बंसी ध्वनि से पूरा के पूरा पर्वत एकदम गल गया, सबके सब पर्वत पिघल गया। इसलिए कृष्ण जहाँ जहाँ पर गए, एक नंदगांव में जाएंगे वहाँ पर भी देखेंगे चरण पहाड़ी है, एक जाएंगे सही वहाँ पर भी देखेंगे चरण पहाड़ी है, एक जगह पर जाएंगे और कहाँ पर एक एक यहाँ पर है, यहाँ पर चरण पहाड़ी। और सबसे जो बड़ी बड़ी लंबी लंबी चरण पहाड़ी चरण चिन्ह है, कहते ये शेष साई में, शेष साई में वो बड़े बड़े चरण चिन्ह वहाँ पर देखने को मिलेगा। इसलिए ये जो कृष्ण यहीं पर सखाओं को साथ में गैया चराने के लिए आते थे, और कृष्णा कैसे खड़े रहते हैं त्रिभंग ललित रूप में, उनका जो प्यार होता है ना ऐसे उनको प्यार होता है। इसलिए कृष्णा त्रिभंग ललित रूप में खड़े होकर के बंसुरी बजाते हैं। इसका क्यों बजा रहे हो? कथा नहीं सुन रहे? बैठो, घंटे मत बजाना कोई। इसलिए कृष्णा खड़े होकर बंसुरी बजाते हैं, कहते ये एक स्थान है जहाँ पर कृष्ण त्रिभंग ललित रूप में खड़े होकर बंसुरी बजाते हैं, ये एक बहुत बड़ा इसका प्रमाण है। इसलिए कृष्ण का जो चरण है, एक समय कुछ संतों लोगों ने बीच में प्रश्न किया, जो चरण वहां पर जाकर देखो जो चरण चिन्ह, अब कहना एक तरफ में सारे चरण चिन्ह है एक तरफ में, बोले भैया यहाँ पर चरण चिन्ह एक तरफ में क्यों है? हैं इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, लेकिन एक तरफ में क्यों चरण है? बोले अगर इसी समय श्री जीव गोस्वामी होते है ना, फिर वो बताते चरण चिन्ह एक तरफ में क्यों है। जब जीव गोस्वामी को पूछे भैया चरण चिन्ह एक तरफ में क्यों, दूसरे तरफ में क्यों नहीं है? बोले कृष्ण जो गोचारण करने के लिए कृष्ण जा रहे थे, जब जाते समय कृष्ण ने बंसुरी बजाई इसलिए उनका चरण चिन्ह एक तरफ है, और आते समय उन्होंने बंसुरी बजाई नहीं इसलिए दूसरे तरफ में उनका चरण चिन्ह नहीं है। इसलिए कहते हैं जो पत्थर द्रवीभूत हो जाता है, इसलिए भागवत में कहते तेजो बारी मृताम जथा विनिमयो जत्र त्रिसर्ग मृषा। भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कृष्ण का जो बंसी ध्वनि है, इसलिए उनकी चार माधुर्य है। कितना माधुर्य है? चार। क्या क्या बोलो? वेणु माधुर्य, रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य। हाँ बड़े बड़े पंडित कहते उसमें चार माधुर्य है, चार माधुर्य में एक माधुर्य है, कहते एक माधुर्य है, कहते त्रिजगता मानसा करसी मुरली कलकुजित। कृष्ण जब बंसी ध्वनि बजाते थे बोले त्रिजगता मानसा करसी, तीन जगत का जो मन को आकर्षण करता है बंसी ध्वनि, इसलिए कृष्ण की बंसी ध्वनि में इतने शक्ति, इतने शक्ति। इसलिए भागवत में पूरा वेणु गीत, उसका नाम ही वेणु गीत, मतलब भगवान कृष्ण की बंसुरी में क्या शक्ति है। इसलिए उनका जो वेणु गीत में केवल वेणु का ही महिमा है, और उसमें कहते कृष्ण का तीन तरह का वेणु है, एक नहीं
एक वेणु, एक बंसुरी और एक क्या है मुरली, एक मुरली, एक बंसी और एक वेणु। और वो जो बंसी ध्वनि में कहते उसमें तीन चार ही तरह का बताया, कहते एक है, है? एक है आनंदिनी और एक है, एक है सन्मोहिनी है और एक है सर्वभूत मनोहर, एक है गोपीभूत मनोहर। मतलब है कृष्ण कभी कभी ऐसे बंसरी बजाते थे जो कल गोपियां ही सुन सकती हैं और उसको कोई नहीं सुन सकते। इसलिए कृष्ण बंसी बटो के नीचे खड़े होकर जो बंसरी बजाई वो बंसरी केवल गोपीभूत मनोहर है, जो बंसी ध्वनि को केवल गोपियां ही सुन सकती। क्योंकि अगर सर्वभूत मनोहर कृष्ण कभी कभी ऐसे बंसरी बजाते हैं जिसको सब सुन सकते हैं, सब सुन सकते हैं। इसलिए कृष्ण कभी कभी ऐसे बंसरी बजाते थे जो कि सबके सब सुन पाएंगे। लेकिन बंसी भट्ट को नीचे खड़े होकर जो बंसरी बजाए वो बंसी का नाम है गोपीभूत मनोहर। अगर सर्वभूत मनोहर होता है ना पूरा ब्रजमंडल इकट्ठे हो जाते कहाँ पर, बंसी भट्ट को नीचे। इसलिए वो कौन था, वो गोपीभूत मनोहर था। इसलिए कृष्ण बंसुरी की जो चमत्कारिता है, हाँ उनका जो चमत्कारिता श्री रूप गोस्वामी कहते हैं रुंधन भुभ्रीत चमत्कीत परम। मतलब कृष्ण जब बंसुरी बजाते हैं वो बंसी ध्वनि सुनकर क्या होता है, कहते जो श्री हैं चतुसन का हैं जो ब्रह्म ध्यान टूट जाता है और जो बासुकी नाग है उनका सर चक्राती जलती है और ब्रह्मा क्या ध्यान टूट जाती है कृष्ण की बंसी ध्वनि सुन करके। और कृष्ण बंसी ध्वनि सुन कर क्या होता है, आकाश में मेघ छा जाता है, मेघ छा जाता है और कृष्ण को फुहारा जैसे पानी होता है ना, जैसे फुहारा जैसे पानी, ऐसे कृष्ण के ऊपर में फुहारा जैसे पानी बरसाता है। कृष्ण कभी कभी ऐसे बंसी ध्वनि करते थे ये यमुना ऐसे बहती है, यमुना ऐसे बहती है। लेकिन ये बंसी ध्वनि सुनकर यमुना की आरती उल्टी बहने लग जाती है, पानी इधर बहती है, बंसुरी बजाए तो पानी उल्टी बहने लग गई, नहीं तो पानी जम गया स्तंभित हो गया। पर पानी आएगा तो क्या होगा, वहां पर भौरा पड़ जाती है, जब भौरा पड़ जाती यमुना में सुंदर सुंदर कमल फूल खिला हुआ, फिर कमल फूल क्या हो जाता है वो भौरा में कमल फूल उसको घुमाते घुमाते कृष्ण को चरण में लेकर के अर्पित कर देते, कृष्ण चरण में अर्पित कर देते हैं। इसलिए गोपियां कहती है देखो कृष्ण गोप हम गोपी, कृष्ण गोप हम गोपी, कृष्ण की अधरा मृत में किसकी अधिकार, बोला हमारी अधिकार, कृष्ण गोप हम गोपी। लेकिन देखो ये बंसुरी ने क्या सौभाग्य किया, बंसुरी ने क्या सौभाग्य किया, कृष्ण बंसुरी को कभी छोड़ते नहीं, कभी हाथ में रखते हैं, कभी अधर पर रखते हैं, कभी कमर में रखते हैं। और कृष्ण का जो अधर है वो कितना बिंब फल जैसे, बताए ना बिंब फल जैसे लाल सुंदर रंग है, लेकिन ये बंसुरी कृष्ण का सार, प्रभु इधर आ जा, ये बंसुरी क्या करता है कृष्ण का सार अधरामृत यही पान कर रहा है और कृष्ण का अधर कितना सुंदर लाल रंग का और ये सारे रस यही चूस चूस करके कृष्ण का जो सुंदर अधर है देखो पीला पड़ गया, नहीं क्या पड़ गया नीला पड़ गया, क्यों, ये बंसुरी ने सारे अधरामृत को इसी ने ही सब पान कर लिया है। इसलिए राधा रानी कहती है अगले जीवन में और मैं राधा नहीं बनूंगी, क्या बनूंगी, बांसुरी। सब पंडित से बैठे सब जानते हैं अगले जीवन में हम क्या बनेंगे, बांसुरी बनेंगे। क्योंकि जब बांसुरी बनेंगे ना फिर कृष्ण हमें अपना पास में रखेंगे। किसी गोपी ने कहा कृष्ण को पता कहीं चलेगा तू ही राधा रानी तू बंसुरी तू बांसुरी बन करके आयो, बोले कृष्ण सब जानते हैं ना वो सब समझ लेंगे, वही राधा रानी ही ये बंसी बन करके आई हमारे पास में और कृष्ण हर समय अपना पास में मेरे को रखा करेगी। इसलिए राधा रानी कहती है चलो हम पौर्णमासी को पास में चलते हैं, बोले क्यों, बोले जो पौर्णमासी है सर्वज्ञाता ये सब जानती है, ये सब जानती है पौर्णमासी, इसलिए इनको हम पूछेंगे ये पिछले जीवन में इसने कौन सा ऐसे पुण्य कर्म की थी जो पुण्य कर्म के वजह से बंसुरी बन करके आए। हम भी ठीक वैसे ही पुण्य कर्म करेंगे तो क्या होंगे अगले जीवन में, फिर हम बंसुरी बन करके आएंगे, फिर कृष्ण हमें अपना आधार में धारण करेंगे। इसलिए कत संपूर्ण जो वेणु गीत है, वेणु गीत सुन करके सारे चिड़िया मुनि मर जाते हैं,
वेणुगीत कहते बंसुरी सुन करके विश्व ब्रह्मांड स्तंभित तो हो जाते हैं ये बंसी ध्वनि सुन करके। इसलिए कृष्ण ने जब बंसुरी बजाए, देखो यहाँ पर जो चिन्ह है ना, यहाँ पर जो चिन्ह है कृष्ण का चरण की चिन्ह है, कृष्ण का चरण का चिन्ह। इसलिए कहते कृष्ण चरण चिन्ह देखने से क्या होता है, कहते कृष्ण चरण में कहते 19 चिन्ह है, कितना चिन्ह है, क्या क्या बोलो, एक तो बोलो शंख ध्वजा कमल चक्र और इसलिए इसलिए से विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं, विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं जो 19 चिन्ह है ना केवल कृष्ण का चरण, और किसी राम में नहीं, नारायण में नहीं, और एक व्यक्ति के चरण में 19 चिन्ह है। इसमें राधा रानी, कृष्ण का डाण पाद चरण में जो चिन्ह राधा जी की बाम पार से, राधा जी की बाम पार से जो कृष्ण का डाण चरण में, केवल इन्हीं के चरण में ही 19 चिन्ह, और किसी के चरण में 19 चिन्ह नहीं होता है। और इसे विश्वनाथ जब गोपियां ढूंढ रही थी ना, अर्थात उनने भूमि को देखा, राधा रानी की कृष्ण का चरण चिन्ह देख लिया, तब विश्वनाथ चक्र ठाकुर वहाँ पर कहते, हम लोग कहते ना भैया क्या करो, कृष्ण का चरण को चिंतन करो। बोले क्यों, बोले सब दुख तुम्हारी दूर हो जाएगी, कृष्ण का चरण चिन्ह से सब दुख दूर। बोले क्यों, कृष्ण के चरण में है क्या चीज जो कि उनका चरण स्मरण करने से सब दुख क्यों दूर हो जाएगा। तो वहाँ पर बताए जो एक एक जो चिन्ह है ना उसका एक एक महिला महिमा है, उनके चरण में ध्वजा है, ध्वजा मतलब पता का, उसको स्मरण करोगे तो क्या होगा, सारा दुनिया में तुम्हारी महिमा जाएगी सारा दुनिया में। कृष्ण का चरण में स्वस्ति के है, बोले उसको चरण स्मरण करोगे तो क्या होगा, तुम्हारे जीवन में मंगल मंगल होगा, मंगल मंगल होगा। कृष्ण का चरण में जय है, अगर उसको स्मरण करोगे तो माँ लक्ष्मी घर में भरपूर रहेगी। जिनकी पैसा के अभाव ना, हाँ बताओ, जिसको पैसा के अभाव उसको स्मरण करो, लक्ष्मी घर में लक्ष्मी कृपा होगी। इनके चरण में वज्र है, अगर वज्र को स्मरण करोगे तो जैसे मतवाला हाथी को क्या करते हैं, अंकुश इतना छोटा सा होता है उससे कंट्रोल कर देते हैं, हमारा मन भी ऐसे एक मतवाला हाथी है, अगर उसको स्मरण करोगे ना ये चंचल मन इधर उधर नहीं भटकेगा। कृष्ण के चरण में और क्या है, चक्र है, जिसका शत्रु है ना, जिसका बहुत सारी शत्रु है, बात चक्र को स्मरण करो, चक्र क्या करेगा, सारे शत्रु को विनाश कर देगा। और चक्र हमारे सबसे बड़ा शत्रु कौन है, बोलो, अपना अंदर में उसको बैठे हुए बाहर नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये हमारे सबसे बड़े शत्रु, बोले उसको स्मरण करो ना क्या होगा, सारे शत्रु तुम्हारी खत्म हो जाएगा। इसलिए से विश्वनाथ चक्र ठाकुर एक एक चिन्ह का अलग 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 महिमा बताते हैं। इसलिए यहाँ पर आए हो, देखो कृष्ण का चरण में सारे चिन्ह है, लेकिन इन्हीं आंखों से नहीं, आपको प्रेमांजन छोड़ी था भक्ति, प्रेम रूपी जब अंजन लगावे ना, यहाँ पर सारे चिन्ह आपको दिखेगा, फिर तो उसको स्मरण करोगे तो क्या होगा, हमारे सारे अनर्थ दूर हो जाएगी और हृदय में कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी। और हमारे बीच में श्री विजय महाराज जी आए, विजय ब्रह्म जी बोलेंगे, छोटे छोटे माइक, छोटे माइक नहीं है ना श्रीकांत, हमारे घर छोटे माइक था, शामिल नहीं थी आज, छोटे छोटे गौरचंद्राय राधिकाय, अब साफ नहीं आ रहा प्रभु जी, हम तो कृष्ण में तो काले हैं, हरि बोल, रिफ्लेक्शन काला आ रहा है, कोई बात गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णचंद्राय च विभुराय नमो नमः। श्री गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में जिस स्थान पर उपस्थित है आज, इस स्थान का नाम है चरणपाड़ी, किंतु ये चरणपाड़ी काम वन के अंतर्गत, ये चरणपाड़ी है कृष्ण के चरण चिन्ह तो पूरे ही व्रज में सब जगह ही है, किंतु किसी किसी सौभाग्यवान को कहीं कहीं दिखाई देते हैं, तो किसी महापुरुष के द्वारा निर्देश किए जाने पर यहाँ पर चरण पहाड़ी के रूप में प्रकाशित है, नहीं तो ये पूरे पहाड़ी में कृष्ण के चरण चिन्ह ही चिन्ह है। तो इसीलिए ये श्री कृष्ण के चरण चिन्हों से विभूषित ये सब पहाड़ है। तो प्रश्न ये हो सकता है कि पहाड़ तो पत्थर है,
किंतु कृष्ण के चरण चिन्ह का चाप कैसे पड़ गया इसमें, तो ये हो सकता है प्रश्न। तो इसका जवाब गोपियों ने दिया है रासलीला में, प्रणय गीत में, कास्त्रियंगते कल्पदायत वेणु गीतम त्रैलोक्य सोभगम इदं निरीक्ष रूपम गो द्विज द्रुम पुलकान्य विभ्रन। तो गोपियों ने कहा है कि हे कृष्ण, तुम्हारा ये जो रूप है ये इतना सुंदर है कि हम जैसे स्त्रियों की तो बात ही क्या, त्रैलोक्य सोभगम इदं निरीक्ष रूपम, तीनों लोकों में जो भी है सबको मोहित कर देने वाला ये स्वरूप है। तो इसलिए हम जैसे स्त्रियों की तो बात ही क्या, यहाँ तक भी गो द्विज द्रुम अर्थात पेड़ पौधा, यहाँ तक भी पत्थर भी अपने स्वरूप को भूल जाते हैं और भूल के पिघल जाते हैं। तो इसलिए कृष्ण का वो जो स्वरूप है, सुनाई दे रहा है ना? आ रहा है। हाँ ठीक है। तो कृष्ण का वो जो स्वरूप है वो इतना मनमोहक है, जिस समय कृष्ण वेणु वादन करते हैं उस समय वो वेणु की जो ध्वनि है और कृष्ण का स्वरूप है, उस कृष्ण के रूप और कृष्ण के वेणु ध्वनि को सुनने मात्र से ही बाकी की तो बाकी सबकी तो बात ही छोड़ दो, पत्थर भी पिघल जाता है। जो पत्थर जो अपना जो कठोर स्वभाव जो है वो स्वभाव को भूल करके एकदम पिघल के पानी की तरह बहने लग जाता है, और जो पानी है वो बहने वाला जो स्वभाव है, जो तरलता जो है, उसको भूल करके पत्थर जैसा बन जाता है। तो कृष्ण का ये स्वभाव है। तो इसीलिए सब पेड़ को नीचे बैठ जाओ। हरे कृष्ण पेड़ की नीचे छाया में।